हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आ गए हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कुछ नया दिखाने के लिए। अभी जो आप हमारे पीछे थ्री व्हीलर देख रहे हो ना यार, इसमें बनती है खुराफाती चीजें। और वो क्या चीजें हैं फटाफट आपको वीडियो में दिखाते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे। मजा बहुत आएगा आज आपको। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये कोई आम थ्री व्हीलर नहीं है, ये है यार चलता फिरता पिज्जा पॉइंट। अब क्या खास है इस पिज्जा पॉइंट में और कैसे इन्होंने इतनी छोटी जगह में मैनेज किया हुआ है, तो चलो आपको दिखाते हैं। यार वहाँ पे ना पिज्जा तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे फ्रेशली पिज्जा बना के ओवन में जाता है और ओवन से सीधा यहाँ आपके टेबल पर। और ये इनका मेन्यू है, बहुत ही लिमिटेड तरह के पिज्जा है इनके पास। जो प्राइस रेंज है ना वो बहुत ही कम है, 110 से शुरू होकर 160 तक। और ये कार्ट ना यार अराउंड 25 इयर्स ओल्ड है, तो अच्छा नाम है इनका एरिया में यहाँ पर। तो ये सर हमारे लिए पिज्जा लगा रहे हैं अभी। ये पिज्जे का बेस आ गया, इनकी स्पेशल पिज्जा सॉस आ गई। ये क्या क्या होता है सर इस सॉस में? इसमें बड़ा कुछ पड़ता है, बहुत कुछ पड़ता है, फिर भी क्या क्या वो बता नहीं सकते हम। क्या बात है, बता दो। कुछ नहीं बता दो, सीक्रेट रेसिपी सॉस है भैया की। ये वैसे टमाटो और गार्लिक वगैरह से बनती है। और अब इसके ऊपर आ गए प्याज भी है, प्याज शिमला मिर्च बड़े बारीक, मतलब बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है भैया ने। अब ये टमाटोज आ गए ऊपर, बिल्कुल फाइन किए हुए हैं ये भी भैया ने। चेक करो पिज्जे की रंगत चेंज हो गई है। ये कॉर्न्स आ गए पिज्ज़ा के ऊपर, स्वीट कॉर्न्स भैया है ना। ये सिंपल स्टीम्ड है ना, इस पर मसाला वगैरह नहीं कोई लगा हुआ। ये पूरा ना एक तरह से भैया ने पिज्ज़ा ये कवर ही कर दिया चीज़ के अंदर, पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग थी वो दिख नहीं रही है। तो पिज़्ज़ा हमारा जाने लगा ओवन में। तो जो ये एक और स्पेशलिटी है यहाँ की, जो ओवन है ना ये इलेक्ट्रिक नहीं है, गैस ओवन है। तो बड़ी छोटी सी जगह में ना बड़ा खूबसूरती से मैनेज किया हुआ है सारा कुछ भैया ने। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका फाइनली। भैया ने 5-6 मिनट गए थे पर लगभग 3-3.5 मिनट में रेडी हो गया। अब आप लुक चेक करो पिज़्ज़ा के, बिल्कुल चेंज हो चुकी है चीज़, अच्छे तरीके से बर्न हो गया, बढ़िया क्रिस्प हो चुका है। आवाज़ पूरी क्रिस्पीनेस की आ रही है पिज़्ज़ा की। ये मिक्स वेज पिज़्ज़ा ना अपना, जो हमारा बेसिक पिज़्ज़ा जो मैंने लगवाया था वो ये है। इसकी कॉस्टिंग ओनली ₹110। और ये ओरिगैनो भैया, भैया ने ओरिगैनो से इसको डेकोरेट कर दिया और लुक काफ़ी सुंदर आ रही है यार। मतलब 110 के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही सही लग रहा है ये। तो ये पिज़्ज़ा आ चुका है मेरे हाथ में, ओवन से बाहर आया टेबल पे, भैया ने कटिंग की और कटिंग करके सीधा हाथ में, तो पिज़्ज़ा बहुत गर्म है। तो अब चेक करो यार पिज़्ज़ा, सबसे पहला जो फर्स्ट रिव्यू मेरा जो आया वो क्रंची बहुत ज़्यादा है। अब चीज़ पुल देखते आता कि नहीं आता इसका। भाई छोड़ ही नहीं रहा, इसमें चीज़ इतना लगा हुआ है, पिज़्ज़े ने पिज़्ज़े को पकड़ लिया। अभी चेक करते हैं, बहुत गर्म है। कार्तिक बदला ले रहा, गरम गरम पिज्ज़ा मेरे को खिला दिया गर्मी में, पर मेरे को इसका कोई दुख नहीं क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इनकी जो भैया ने सीक्रेट सॉस बताई है ना, उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है, चटपटी है थोड़ी। नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस ना चटपटी नहीं होती, ये थोड़ा चटपटा पिज़्ज़ा है, अच्छा है काफ़ी। मतलब टिपिकल इंडियन स्ट्रीट फूड पिज़्ज़ा होता ना, उससे भी थोड़ा सा अलग है ये। मज़ेदार स्वाद है यार, थोड़ा सा और खा के देखता हूँ। जब आप आओ ना गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाओ, ठंडा मत करना, चाहे मुंह जल जाए, पर मज़ा जो है ना क्रिस्पीनेस का मुंह जला के ही आएगा आपको। इसमें पहले चीज़ आता है, वाह सॉस के ऊपर चीज़ आ गया, वेजीज आ गई, प्याज और कैप्सिकम। 110 वाला पैक करना भैया, ठीक है जी। अब पनीर आ गया, स्लाइसेस किए हुए इन्होंने पनीर के, और इसके ऊपर आ गया चीज़।
गाना सुना ही होगा आपने, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया, तो सावन तो अभी आया नहीं पर चीज़ बरसा रहे हैं हम। ओके ये वो भैया चिली सॉस, अब ये है भैया की अनोखी चिली सॉस जो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब लोग आके डिमांड करते हैं कि पिज्जे के ऊपर एक्स्ट्रा डाल दो ये। तो हम देखते हैं इसमें है क्या ऐसा कि लोग इतना ज़्यादा इसको प्यार दे रहे हैं। और ये पिज़्ज़ा जाएगा सीधा ओवन में, अभी हमको करना पड़ेगा 3-3.5 मिनट का वेट और फिर आ जाएगा पिज़्ज़ा बाहर। बाकी हमारा स्ट्रगल कैसे ये भी ये आप ना ही देखो तो बढ़िया, बाकी पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया होगा। तो अभी हमारे हाथ में है ये कौन सा पिज़्ज़ा है, ये है जी चिली पनीर पिज़्ज़ा, चीज़ चिली पिज़्ज़ा जिसकी प्राइसिंग है 160 रुपीज़ एंड चीज़ पुल की बारी गाइस। तो ये करते हैं जी चीज़ पुल, चीज़ पुल तो आया नहीं बट भाजी ने पूरा पूरा बदला ले लिया है, जितना मैंने उन्हें गर्म खिलाया था उससे कहीं ज़्यादा गर्म है ये। और दूसरी बात यार, जो आपने सुना होगा ग्रैंड फिनाले होता है हर चीज़ में ना, हम शोज़ देखते हैं टीवी पर उसमें ग्रैंड फिनाले होता है, तो ग्रैंड फिनाले कभी भी पहले नहीं होता, वो लास्ट में होता, उसका एक रीज़न होता है क्योंकि वो ग्रैंड होता है। उसी तरह वीडियो एंड तक देखा करूँ, ग्रैंड चीज़ें एंड में दिखाई जाती है कि नहीं भाजी, सही बात है ना? कुछ भी कह लो सही है, क्योंकि इसमें है पनीर एंड पनीर इज़ लव एज यू आर ऑल गाइज नो। तो करते हैं पहली बाइट टेस्ट, गरम बहुत है। ओहो मेरा ग्रैंड कहना ना सक्सेसफुल है। अभी ये पाजी खाएंगे ना, भैया खाएंगे तो आपको पता चलेगा, वो आपको जब बताएंगे। दिस थिंग इज लव गाइज, एक्चुअली गरम गरम है, ताज़ा ताज़ा निकला है बाहर पिज़्ज़ा, टेस्टी बहुत है और 160 रुपये में ना ये वर्थ है। इसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन आपको मिल जाएंगे बट 160 में दिस इज टोटली वर्थ। और पनीर का पीस देखो यार क्लोजअप से लो, ये देखो ये भी पनीर है, ये भी पनीर है, अभी लेयर उठाते हैं, सीधा हमला पनीर पे ही करते हैं, फिर पनीर वाली बाइट लेते हैं। ये पनीर देख रहा है हमें, सो बड़ी बाइट लूँगा मैं, शायद मुंह जल जाए कुछ बोल ना पाऊँ, लेट्स ट्राई। बहुत शानदार, मेरी तरफ से नंबर 10/10 है, पास है पूरी चीज़। ओहो फिर लोग मुझे कहते हैं कि तू सारा खा जाता है, तो लोकेशन आपको भी बता देते हैं हम। अभी हम खड़े हैं पी रोड पे और हमारे सामने है कुका डायग्नोस्टिक सेंटर और इसके ऑपोजिट बिल्कुल भैया खड़ते हैं। आपको ऑपोजिट ये थ्री व्हीलर खड़ा दिख जाएगा, उसके ऊपर लिखा है सुपर हिट मिक्स वेज पिज़्ज़ा और नाम बिल्कुल सही है, पिज़्ज़ा पूरा सुपर हिट सुपर हिट है। और गाइस वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत लगती है, अलग अलग एंगल से वीडियो बनती है, मेहनत हम पूरी करते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अगर अगर आपको अच्छी लगती है लाइक, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन, हमारे लिए बहूत मैटर करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूर की कीमत क्या जाना चुन्नी बाबू, चुन्नी बाबू का क्या, रमेश बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।